जी, तो अभी हम पेज नंबर 11 पे जाते हैं। पेज नंबर 11 में अगर आप देखें तो आपको जो है ना स्मॉलर और ग्रेटर की जो है ना आपको प्रैक्टिस की कराई जा रही है। तो अगर आप ये देखें कि ये फर्स्ट ब्लॉक है और सेकंड ब्लॉक है, इसमें जो है ना ये कितने इसमें छोटे ब्लॉक्स हैं, इसको अगर काउंटिंग करें हम, ये वाला हंड्रेड्स वाले हैं, ये टेंथ वाले हैं और ये वंस वाले हैं। तो हंड्रेड्स वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हंड्रेड्स हो गए, 1 2 3 3 टेंस हो गए और 1 2 3 4 5 फाइव वंस हो गए। इसी तरह अभी ये हंड्रेड्स देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हंड्रेड्स हो गए, 2 टेंस हो गए और 1 2 3 4 5 6, 6 वंस हो गए। ठीक है, ये दो फिगर्स हैं आपके पास, 8 35 और 8 26। ठीक है, अब हमने देखना क्या है कि विच नंबर इज स्मॉलर, 835 और 826। 835 और इसको कंपेयर करें, अगर पहले हंड्रेड वाले को कंपेयर करें, 8 और 8 ये तो सेम है। अच्छा जी, अब ये वाला कंपेयर करें, 3 और ये 2, अच्छा ये 3 बड़ा है ना, इसका मतलब है कि कौन सा स्मॉलर होगा, ये 3 से 2 छोटा होता तो ये 2 स्मॉलर, ये इसलिए इधर लिखा हुआ है, द डिजिट्स इन दी हंड्रेड प्लेस आर द सेम। देखिए ये और ये सेम है, व्हाट शुड वी कंपेयर नेक्स्ट, अभी हम कंपेयर नेक्स्ट कौन सी चीज करें, वी कंपेयर द डिजिट्स इन द टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस में इसको और इसको कंपेयर करें, तो क्या होता है, 2 टेंस इज स्मॉलर देन 3 टेंस, यानी 2 टेंस इज स्मॉलर देन 3 टेंस, 826 जो है, 826 इज स्मॉलर देन 835, यानी कि क्योंकि हमने पहले हंड्रेड हंड्रेड कंपेयर किए, फिर टेंस और टेंस कंपेयर किए, और तो जब आपने देखा ये वाला टेंस वाला छोटा था, तो इसलिए आपने कहा कि 826 इज स्मॉलर देन 835। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ भी है ना, ये देखें अगर आपको याद है, ये इसका मतलब क्या होता है, इट मीन स्मॉलर देन, ये इस तरह से जो बनता है स्मॉलर देन। डू यू नो हाउ टू कंपेयर 472 एंड 479? ये तो कंपेयर करना बड़ा आसान है, हमने किया है ना, कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए पहले हंड्रेड वाले कंपेयर करेंगे, 4 और 4 ये तो सेम है, फिर ये कंपेयर करेंगे टेंथ वाले, 7 और 7 ये भी सेम है, अच्छा इसको कंपेयर करेंगे वंस वाले को, ये 2 है और ये 2 वंस है और ये 9 वंस है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, जिसमें पहले 2 तो सेम है ना, तो थर्ड यानी वंस वाला जो है ये 9 वाला बड़ा है, तो 479 इज ग्रेटर। ठीक हो गया जी, अच्छा अब आते हैं हम करना क्या, अरेंज 3 3 2 5, 2 3 5 एंड 2 5 3 इन ऑर्डर, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट, यानी हमने सबसे पहले लिखना है स्मॉलेस्ट, ये अभी 325, 235 और 253 है ना, हमने सबसे पहले लिखना है कौन सा स्मॉलेस्ट, सबसे पहले कंपेयर करते हैं, 300 वाले कंपेयर करते हैं ना, 3 2 2, ये तो वैसे ही सबसे बड़ा है, ठीक है जी, इसको परे कर देते हैं, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये हंड्रेड्स और हंड्रेड्स वाला कंपेयर किया, तो टेंस वाला कंपेयर किया, 10 ये 3 टेंस हैं और ये 5 टेंस हैं, ठीक है, तो ये दिस विल बी द स्मॉलेस्ट। अब हम इसको देखते हैं, 300 इज ग्रेटर देन 200, यानी 300 जो है इन दोनों 200 से तो ग्रेटर ही होगा, लिहाजा ये जो 325 जो है, 325 इज द ग्रेटेस्ट, ये तो मैं पता चल गया 325 इसमें ग्रेटेस्ट है। अब नाउ कंपेयर 235 एंड 253, ठीक है 235 और जो बाकी रह गया था 253, इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, 3 टेंस इज स्मॉलर देन 5 टेंस, 3 टेंस इज स्मॉलर देन 5 टेंस, सो ये जो है ना 235 इज स्मॉलर देन 253, ठीक है 235 जो है इट इज स्मॉलर देन 253, तो स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा होगा, 235 इज दी स्मॉलेस्ट। ठीक है, वी राइट इट एज 325 इज स्मॉलर देन 253 विच इज स्मॉलर देन 325, यानी स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा था, 235, फिर उसके बाद बड़ा कौन सा था, 253, और उसके बाद ग्रेटेस्ट ये कौन सा था, 325, स्मॉलेस्ट सबसे लेफ्ट पे हो गया और ग्रेटेस्ट सबसे राइट पे हो गया, क्योंकि हमने छोटे से बड़े यानी स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना था। ठीक है, स्मॉलेस्ट 235 था, फिर 253 और फिर
325। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी के। बड़ी मजे की एक्टिविटी है। आप लोगों के पास वो दाना नहीं होता लूडो खेलने वाला, जैसे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोलो रोल। अच्छा, अभी तीन बच्चों का हम कहते हैं कि तीन बच्चे हैं, बारी बारी वो फेंकते हैं अपना, तो जो जो नंबर आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। जो सबसे पहला नंबर आएगा वो वंस लिखा जाएगा, फिर जो सेकंड वाला आएगा उसको टेंस लिखा जाएगा, और थर्ड वाला आएगा उसको हम हंड्रेड्स में लिखा जाएगा। से अगर पहले वाले ने कुछ फेंका है जो है ना, तो ये दाना फेंका तो सामने क्या आया, वन। ये वन जो है ये कौन सा वंस है, ठीक है। सेकेंड फेंका फाइव आया, फाइव ये टेंस है। फिर थर्ड फेंका सेवन, सेवन ये हंड्रेड्स हैं, यानी 751 है। दूसरे की बारी यही, उसने पहला फेंका थ्री आया, दूसरा फेंका सिक्स आया, तीसरा फेंका एट आया। अब इसके पास आ गया 863, इसके नंबर हो गए। अब आ गया जी, अब उसके बाद तीसरे की बारी आई, उसने पहली दफा फेंका तो क्या आया टू, सेकंड टाइम फेंका तो क्या आया थ्री, थर्ड टाइम फेंका तो क्या आया नाइन, 932। अब हमने करना है कि जी कंपेयर द नंबर्स, 900 इज ग्रेटर देन 700 एंड 800। यानी देखें ना, 9 इसमें हंड्रेड वाले को अगर देखें, 900 वाला 8 वाले से भी बड़ा है, तो उसमें फौरन पता चल गया कि कौन सा वाला बड़ा है, यानी 932 इज द ग्रेटेस्ट, 932 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ये विन कर गया। ठीक है, राइट।